हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विदग के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। नॉन वर्बल रीजनिंग चल रही है हमारी। जल दर्पण के हम जो पहला चैप्टर था इसमें वो बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। 5-6 टाइप के सवाल होते हैं बस नॉन वर्बल से, मतलब चित्रों वाली आकृति से। नॉन वर्बल से मतलब होता है चित्रों वाली आकृति, देसी में बोले तो। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं सबसे ज़्यादा, वो यही है चैप्टर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ठीक है, फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज मोड़ना और काटना, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। लेकिन इसको कुछ बच्चे तो करते हैं कि कागज फाड़ते हैं, उससे चेक करते हैं काट काट कर। शुरुआत के लिए, इनिशियल स्टेज के लिए बिल्कुल सही बात है, आप अपना दिमाग चला सकते हो, क्योंकि आपको पेपर काटने से ये समझ में आ जाता है कौन सी चीज कहाँ कैसे जाती है। ठीक है, ये जरूरी भी है प्रैक्टिकल के तौर पर। लेकिन अगर आप पेपर काट के उत्तर आ गया, खुश होकर लगाया और उससे कुछ सीखो नहीं, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि पेपर काटने में टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए बस उससे सीखना है कि कौन सी चीज कहाँ जाती है पेपर काटने से, और कुछ नहीं करना। आपको करना बगैर पेपर काटे ही हैं ये सवाल, तभी ये जल्दी हो पाएंगे और एग्जैक्ट हो पाएंगे। चलिए, नहीं तो पेपर इस तरह से भी मोड़ता है, कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कैस कैस कर दिया काम। ठीक है, चलो तो अब हम पहले मोड़ना और काटना दोनों साथ साथ की, ये पैरेलल क्रियाएं हैं, दोनों साथ साथ चलेंगी, मोड़ना भी काटना भी। चलिए, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि यहां पर एक कागज चौकोर है, ऐसा ही होता है कॉपी का कागज, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब उसको क्या बोला, उसको ये बोल रहा है ये तय ऐसे मार दी इस पर। ठीक है, ये ऐसे तय लगा दी है, तो इसका मतलब अब ये हिस्सा रह गया कागज का, ये वाला हिस्सा यहां बना दिया। तो पहले आपको समझना मोड़ना ही है कि मोड़ा कैसे कैसे गया होगा। अब ये तीर लगा रखा, इसने क्या बोला फिर कि इसको एक और तय मार दिए और ये बन गया। बात समझ में आई कैसे मोड़ा है कि नहीं? चौकोर कागज था, उसकी एक तय यूं बना दी, दुहरा हो गया ये रहा। यहां तय नहीं लिखेगा कितनी तय मार दी, आपको लगा ना दो, दुहरा हो गया। अब इसको दो दो तय है दोनों तरफ, यहां भी दुहरा यहां भी। अब इन दो तय को इसके ऊपर रख दिया, तो यहां कितनी तय हो गई, चार तय। का मतलब यह होता है कि अगर आप एक जगह कोई भी काम करोगे वो चार जगह जाएगा, आप एक जगह कोई काम करोगे वो चार जगह जाएगा। अगर ये आठ तय लगा दे, मतलब वो एग्जामिनर और भी खतरनाक हुआ, तो वो आठ तय लगा देगा। आठ तय कैसे, कि ऊपर से एक बार और मोड़ दिया नीचे को, बीच में लाइन खींच के अब यहां कर देगा। अब आपको समझ में आई ये आठ तय है कि नहीं है भाई? इसको और ये चार है, हाँ यहां भी चार है, चार के ऊपर कर दिया, आठ हो गई। अब ये एक गोला खींचा है, आठ जगह जाएगा, अर्थात उत्तर में आठ गोले आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, जितनी तय उतने गोले, बात सही। चलो बहुत बढ़िया, अब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि इस सवाल में चार गोले आने, और वो कहां कहां आने वो और सीख लो बस। गोल है, ठीक है। अब इसको देखिए, एक बात ध्यान रखना, जो चीज सबसे बाद में मुड़ती है, संगम जो चीज बाद में मुड़ती है वो सबसे पहले खुल जाती है, पता है इस बात की, फिर बतला ले कोई बात नहीं। चलो अब मैं अगर इसको बोलूं कि भाई आ गई ऊपर को, क्योंकि सबसे बाद में यही मुड़ी है, या कोई ऐसा कर सके ना, हमें ऐसा नहीं खोलनी, हमें डायरेक्ट खोलेंगे इसे, खोल सको नहीं, तरीका से ही खुलेगी, एक एक तय खुलेगी। ठीक है, और जो सबसे बाद में मुड़ी है वो सबसे पहले खुलेगी, बिल्कुल बात क्लियर है? तो आप समझ के देखो कि पहले ये हमें ऐसे, क्योंकि चार तय लगी हुई है ना, तो ये ऐसे तय लगी हुई थी, ये ऐसे खोलनी पड़ेगी। अगर इसको ऐसे खोलेंगे तो इसको ऐसे खोलेंगे तो यहां भी एक गोला गया, क्योंकि छेद है तो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि भाई उसने फिर ये तय मारी थी ऐसे, तो अब मैं इसको ऐसे खोलूंगा, अर्थात ऐसे खोलूंगा, तो ऐसे खोलूंगा तो ये कैसे जाएगा बताना, पूरा पलटूंगा ऐसे, ये लाइन भी खींच दो खींचनी है तो बताओ, यहां ये दो गोले थे, ये आधे में जो काम इधर हो रहा है वही इस काम आधे में इस तरफ भी होगा, अर्थात यहां भी बिल्कुल बराबर दूरी पे गोले आएंगे कि नहीं आएंगे? कई बार गोले ऐसे कर देगा, चार तो बना देगा लेकिन ऐसे बना रखे एक ऑप्शन में, एक मंजू, तो चार तो बना दिए,
अरे आप क्यों, हमें तो यूं ही सिखाया अंकित गुरुजी ने कि चार ही तो देखने, ये रे चार, ठीक है। तो भाई वो थोड़ा सा फर्क ये भी देखना है कि ये बीच में है तो सारे बीच में ही आएंगे, सारे बीचों बीच आएंगे। अगर ये इस कोने में होता तो कोई मुझे बता सके कैसे कैसे आएंगे, कौन कौन से कोने में। चल यूं खुलेगा पहले तो बताओ, ये जो तय यहां लगी हुई थी ये यहां चली जाएगी। अब ये यही आएंगे, बिल्कुल। बात समझ में आई ना चारों का क्या मतलब है, ठीक है। अब ये गोला यहां भी हो सकता था, एक यहां भी हो सकता था, एक यहां भी हो सकता था, एक यहां भी और एक बीच में। कितने गोले आएंगे बताओ, 20 आएंगे। क्या बना सकते हो बताओ, बना पाओगे? इस एक सवाल से मैं सब कुछ सिखा दूंगा आपको, कभी दिक्कत नहीं आएगी। बताओ, पलटो पहले ऊपर को, ये तीन सीध में तीनों जाएंगे। अरे बड़े हंस रहे हो, लगी कैमरा यार, इतनी देर होगी, चूकूंगा नहीं अब, क्या देख लियो। चलो ये लो, बिल्कुल ऐसे आएंगे, क्योंकि ये तीन एक सीध में तीनों ही आएंगे ऊपर। ये दो यहां इस बीच वाले के सामने है, तो बीच वाले के सामने ही जाएंगे, ठीक है। अब बताओ इधर कैसे जाएंगे, ये तीन सीध में तीन सीध में तीन सीध में तीन सीध में, एक एक ऊपर नीचे। बात समझ में आ गई, बिल्कुल ऐसे डिट्टो, एक 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 यहां एक यहां, ऐसे तीन सीध में यहां एक यहां एक यहां। अब बीच की लाइन मिटा दो चाहे तो, मिटा भी देता है कई सवालों में, कई में लगी रहने देता है, तो जरूरी नहीं है कि बीच की लाइन, क्योंकि ये तो मोड़ था, ये फिक्स थोड़ी थी। तो अब ये उत्तर है इस सवाल का, अगर यहां पे 5 छेद कर देता, देखो कैसा भयंकर सवाल बन गया, छोटी सी बात थी, ठीक है। तो अब देखो कितने सारे गोले किस तरह से बनते हैं, तो बात समझ में आई, चलो बहुत अच्छे से आई। अब मुझे एक सवाल करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि आपको समझ में आ गई। तो आप मुझे ये बताओ, इस चौथाई वाले में ही कर रहा हूं, ये ट्रायंगल है बस, अब मुझे बता दो ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा बता दो, बस यही बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरी बात सारी समझ में आई है। कई बच्चे तो ऐसे बनाएंगे कि जी लो ये लो, चार ट्रायंगल चारों उत्तर, बहुत तो लग रहा होगा इसमें बुराई क्या, आप भी लग रहा होगा कुछ अन्य, तो ये सही तो है, चार ही तो आने हैं, बीचम बीच आ रहे भाई, गोल में तो कोई टेंशन नहीं थी, कैसा ही बना दो, लेकिन ट्रायंगल में ध्यान देना पड़ेगा आपको। कैसे, पहले ऊपर का खोल रहा हूं, चलो बिल्कुल तरीके से ही चलेंगे एकदम। चलो तो मैं पहले इसको क्या करूं, देखना ये तय लगी हुई है, इस पर चार तय हैं, पहले जो खुलेगी ऊपर को खुलेगी बिल्कुल ऐसे खुलेगी। अब यूं बताओ ये ट्रायंगल भी पलटेगा कि नहीं पलटेगा, जब यूं ही पलट रहा, पूरा ही चित्र पलट रहा है, तो ट्रायंगल भी ऐसे आ जाएगा, यही बात पूछवानी थी बस आपको, ठीक है। ट्रायंगल बात समझ में आ गई, अब मुझे बताओ कि इधर कैसे आएगा, जैसा इधर आधे में काम हो रहा है सेम डिट्टो इधर, बस न्यू पलट देना, न्यू इसका दर्पण बना दो, न्यू जा रहा तो अब दर्पण तो इसका ऐसा ही बनेगा, बात समझ में आ रही है। और जब न्यू आ रहा है तो जल बना दो, तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है, मतलब इसका इसका दर्पण, ठीक है। और ये लाइन की जरूरत नहीं है, ऐसा जिस ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर है। बात क्लियर हुई कि नहीं, एक एच डब्ल्यू बस, एक एच डब्ल्यू दिमाग मार के आना, लिख ले और बिल्कुल ले जाओ, एक एच डब्ल्यू आपके लिए, एक एच डब्ल्यू। देखता हूं अब कितने लोग सही करेंगे इसे, एच डब्ल्यू है, समझ रहे हो कितनी तैमारी अपने आप, देखना इस बात को, पूछने की जरूरत नहीं है किसी से, पूरा दिन है आपके पास करने के लिए, ठीक है। देखते हैं कितने लोग, जो समझ लो कागज की बिल्कुल तय तक पहुंच जाओगे अगर ये सवाल कर लिया तो। आपने ऑप्शन दिए जाएंगे भला इसके, कल तक इनमें ही लगा रहूंगा अगर ऑप्शन दे दिए तो, ठीक है। तो
तो आप लाओ ना, ऑप्शन की क्या जरूरत है। ठीक, कल मिलवा दूंगा बस इस उत्तर को, परसों। हाँ, कल की छुट्टी है, चलो ठीक।